Today is 14 June. In today's current affairs decoded session, myself शिवाजी काले welcomes you all. तो ये आज का जो करंट अफेयर्स डिकोडेड का डेली हम लोग क्वेश्चन ये जो एनालिसिस लेते हैं न्यूज़पेपर का, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. जो कल से न्यूज़पेपर आएंगे, दैट इज़ फ्रॉम 15 जून ऑनवर्ड जो न्यूज़पेपर आएंगे, वी आर गोइंग टू टेक द एनालिसिस ऑफ दैट न्यूज़पेपर्स इन आवर अपकमिंग करंट अफेयर्स डिकोडेड बैच दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 21st ऑफ जून. तो उसमें वीकली वी आर गोइंग टू कंडक्ट दैट पर्टिकुलर बैच एंड वी आर गोइंग टू टेक ऑल द न्यूज़पेपर्स दैट आर कमिंग इन दैट पर्टिकुलर वीक at the end of that particular week. Every Sunday we are going to have this particular session. And details about this particular batch you will get to know in today's seminar webinar that is going to be at the 6 PM on the Facebook Live. So see you there. आज का पर्टिकुलर जून 14 का न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं. देखो the news, first news is continuing with the impasses with the Nepal. So yesterday, those who have attended the YouTube webinar, they would have seen the particular topic of Indian borders in detail. तो यहाँ पे हम लोगों ने भी mentioned about this particular issue of Lipulekha and Kalapani. तो Nepal is taking its old strong stand against India's position. अभी इन दोनों में चीज़ क्या है? तो India is saying that particularly the region belongs to India. नेपाल के बाद सेम कहना है. But the point is that now Nepali government has, in its own parliament, accepted the new map. तो इससे क्या होने वाला है? In coming period of time, the relation between India and Nepal are going to be strained. तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं. देखो यहाँ पे प्रीलिम के एस्पेक्ट से आपको 2-3 इम्पोर्टेंट स्कीम्स पढ़ने को मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट स्कीम इज कॉल्ड एज जन जीवन मिशन. Now very important scheme because in 2019 this particular scheme has announced, and this scheme is targeting to provide piped drinking water to all the rural household by 2024. मतलब क्या है? तो if you compare with the urban area and rural area, urban area में most of the house get a connectivity of piped drinking water. Rural area में वैसे नहीं है. देखो lot of people are dependent upon the natural सोर्सेस लाइक रिवर या लेक, या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेकिंग वाटर, ग्राउंड वाटर ले रहे हैं जैसे कि फ्रॉम द वेल्स और फॉर बोर वेल्स. तो इसमें जनरली क्या हम लोगों को देखने मिल रहा है? ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इज अ सिग्निफिकेंट फिनोमेना इन रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन. और इससे क्या होना है? देखो आर्सेनिक कंसेमिनेशन के कुछ न्यूज़ हम लोगों ने कुछ दिनों पहले पढ़े थे. मर्क्यूरी कंटेमिनेशन के भी कुछ न्यूज़ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं. मर्क्यूरी कंटेमिनेशन से कौन सा डिसीज होता है? होमवर्क में पता ना कौन सा इसके रिलेटेड कन्वेंशन आया था, जापान के रिलेटेड है. देखो हिंट के देख के रखता हूँ. इसमें भी देखना कौन सा डिसीज है जिसमें बहुत पेन होता है और उस पेन के रिलेटेड ही उसका नाम है. फनी नाम है, एक बार पढ़ोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा. तो ये होमवर्क के लिए करके रखना, फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना. तो ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ग्राउंड वाटर लेवल इज ऑल्सो अलार्मिंगली डिक्रीजिंग. सो व्हाट इज अ सॉल्यूशन फॉर पर्टिकुलर दिस थिंग? हेल्थ के एस्पेक्ट से भी एंड एनवायरमेंटल के एस्पेक्ट से भी, इफ वी प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड, ग्राउंड वाटर का जो यूज है वो कम हो जाएगा एंड इससे बेनिफिट होगा हेल्थ को भी एंड एनवायरनमेंट को भी. जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ये पर्टिकुलर स्कीम रिसेंटली अनाउंस किया था. अभी फिलहाल इसका काम हम लोग यूज कर सकते हैं. तो नाउ दिस पर्टिकुलर न्यूज इज फोकसिंग ऑन अनदर एस्पेक्ट. द एस्पेक्ट इज बिकॉज इन रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ वर्कर्स हु हैव माइग्रेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, दे हैव रिटर्न टू देयर होम टाउन्स और होम विलेजेस. ना उनको एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है. तो एक चीज़ तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किया है, दैट इज़ रिलेटेड टू MGNREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. उसमें क्या किया उन्होंने? एलोकेशन बढ़ा दिया. इन द बजट ऑफ रिसेंट ईयर 60,000 वॉज एलोकेटेड. नाउ दे हैव एडेड 40,000 टू इट एंड मेक इट एट 1 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम. बट अकॉर्डिंग टू सम दिस इज नॉट गोइंग टू बी सफिशेंट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव रिटर्न टू देयर विलेजेस. सो दैट नीड्स अ से सपोर्ट फ्रॉम अदर गवर्नमेंटल स्कीम। सो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री का जो स्कीम है जल जीवन मिशन, इसका भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी अबाउट 10,000 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन किया गया है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो उसमें और 12,000 करोड़ रुपीज़ का दिया जा सकता है पैसा। और अगर आप देख सकते हो तो जो 60,000 करोड़ रुपीज़ पंचायत राज के लिए एलोकेट किए, उसमें से उन्होंने 15th फाइनेंस कमीशन ने उसको कंडीशन डाला है कि 50% शुड बी एलोकेटेड टू द वर्क रिलेटेड टू वाटर बॉडीज़ एंड सैनिटेशन। नाउ ये तो इसमें वाटर बॉडीज़ में आता ही है। तो अबाउट वी कैन से 50,000 करोड़ आर अवेलेबल वेन वी आर टॉकिंग अबाउट जल जीवन मिशन। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट with respect to this is that if we see this returnee migrants are there, lot of states has done survey of जिसको हम बोलते हैं कि स्किल मैपिंग किया है और उसमें उन लोगों को समझ आया है कि जो रिटर्नी माइग्रेंट्स है मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग इन द फील्ड्स लाइक से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड प्लम्बिंग एंड अदर एक्टिविटी। तो इन लोगों का हम लोग पक्का यूज करके यहाँ पे ले सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। उसके साथ साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में भी उन्होंने बनाया, जो स्किल्ड मैन पावर है, मेंसन्स है, प्लम्बर्स है, फिटिंग्स है, इसके बारे में भी आप उसके यूज कर सकते हो। आगे जाते हैं, देखो नेक्स्ट न्यूज पे एक न्यूज है, इट इज टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल एज सेरोलॉजिकल सर्वे। अब ऐसे टाइप की जो कंसेप्ट है ये प्रीलिम में बहुत तरह पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है सीरियोलॉजिकल सर्वे? तो जनरली व्हेन अ सर्वे इज कंडक्टेड, ब्लड सैंपल्स आर टेकन एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज दैट आर डेवलप्ड विद इन दैट पर्टिकुलर ब्लड सैंपल और द ह्यूमन टू आइडेंटिफाई वॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन वॉज इन्फेक्टेड विथ एनी पर्टिकुलर डिसीज। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सीरोलॉजिकल सर्वे। अभी थोड़ा सा बेसिक से आते हैं। इसमें बेसिक में क्या देखते हैं, वेन एवर एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज इन्फेक्टेड विथ एनी पर्टिकुलर डिसीज, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिर्फ कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन हुआ है उस इंडिविजुअल को, द बॉडी स्टार्ट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन विच इज अ फॉरेन बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड हेंस द बॉडी डेवलप्स अ प्रोटीन विच आर एंटीबॉडीज। So if we detect the antibodies in any person's blood sample, that means that that person was earlier faced or earlier infected with such type of infection. तो ये सर्वे करने के बाद पता चला है कि अगर हम लोगों को, मतलब इन्होंने कुछ सैंपल सर्वे किया है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और उसका डाटा वो एक्स्ट्रापोलेट करके ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एट द month of May, when we are actually indicating 35,000 infected persons, if you would have extrapolated the same data, it would have been 20 times more, that is up to 7 lakh infected person. तो ये क्यों हो रहा है? तो इस न्यूज़ में उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर केस ऑफ SARS-CoV-2, that is novel coronavirus that we call in general sense, और COVID-19, that is the disease that is caused by SARS-CoV-2. तो इसमें अबाउट 70% ऑफ केसेस जो है दे आर असिम्टोमेटिक। नाउ दिस पर्टिकुलर डेटा वेरीज, सम आर सेइंग 70%, 80%, 90%, ठीक है, बट वी विल से अबाउट 3/4 ऑफ द पीपल डू नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। हेंस उन लोगों को पता ही नहीं चलता, नेचुरली दे विल डेवलप द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर वायरस एंड दे विल गेट क्योर देमसेल्फ। नीचे एक न्यूज़ आएगा जिसमें दे आर डिस्कसिंग अबाउट शुड the WTO's recent statement, one of the person in WTO made a statement that asymptomatic patients, कौन है asymptomatic patient जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया कि जिनको इन्फेक्शन है लेकिन उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे, तो दे कैन नॉट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स आल्सो एंड आर हेल्थ प्रैक्टिशनर आल्सो विदाउट डूइंग एनी टेस्ट कि दिस पर्सन पर्टिकुलर पर्सन इज इन्फेक्टेड। तो ऐसे जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या असिम्टोमेटिक जिसको आप बोलोगे इन्फेक्टेड पर्सनस है, इन लोगों से दूसरे लोगों को इन्फेक्शन होने का चांस कितना है? तो शुरू में उन्होंने WHO के जो पर्सन है उन्होंने बोला था कि इट इज़ वेरी रेयर दैट असिम्टोमेटिक पर्सन विल ट्रांसफर और ट्रांसमिट डिसीज टू अनदर पर्सन, बट लेटर दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ से विड्रूड हिज स्टेटमेंट और से दैट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैज़ नॉट कोटेड इन राइट सेंस एंड ही इज सेइंग दैट according to some data the chances are less, probability is less, but it is not वी कैन नॉट से इट इज रेयर। तो पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ें देखनी, असिम्टोमेटिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, सीरोलॉजिकल सर्वे इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, एंटीबॉडीज़ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, उसमें बेसिक कंटेंट क्या होता है। तो होमवर्क के लिए देख लेना, देखो बेसिक में जाएंगे बायोलॉजीज़ का पढ़ेंगे, एंटीबॉडीज़ का, बॉडीज़ का, आप बायोलॉजी पढ़ के आना क्या होता है, प्रोटीन्स होता है या कौन सा उसमें बेसिक कंटेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्लॉट से FCA जीप स्ट्रेट डेस। तो बेसिक आपको मैं बता देता हूँ कि फियाट का जीप ब्रांड है, जीप आप लोगों को सबको पता होगा, उनका अभी एक नया कंपास जीप कंपास इंडिया में भी लॉन्च हुआ है। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि महिंद्रा ने एक नया गाड़ी लॉन्च किया था 2018 में, जो उनकी दूसरे एक गाड़ी का कॉपी है या उसका डिज़ाइन उसके साथ मैच होता है। तो दिस बेसिक थिंग इज ओके, बट वी नीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर IPR इशू। IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में उन्होंने पूछा है और जिसके ऊपर UPSC क्वेश्चन पूछती है। तो कंसेप्ट इज ट्रेड ड्रेस। क्या होता है ट्रेड ड्रेस? देखो, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट आइडेंटिफाइज द लुक ऑफ प्रोडक्ट एंड डिस्टिंग्विशेस इट्स फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। तो देखो इसका लॉजिक समझ लेना थोड़ा सा, क्योंकि कैसे, सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड अनदर प्लेयर दैट इज योर कॉम्पिटिटर इज ऑल्सो प्रोडक्ट डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच लुक्स वेरी सिमिलर टू यू, सो कस्टमर विल गेट कन्फ्यूज एंड it may happen that customer will go for another product because it is look alike, and hence whoever has developed this particular design उन्होंने अपना इंटेलेक्चुअल क्या किया था, उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके लिए उन्होंने पेटेंट लिया होगा, तो यू आर इन्फ्रिंजिंग ऑन दैट पर्टिकुलर IPR, तो दिस इज नॉट अलाउड। तो उसके लिए केस चल रहा है, वेन एवर दैट विल कम वी विल स्टडी इट, बट द पॉइंट इज दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए। होमवर्क में देखना कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, दो तीन में आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, दो तीन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी क्या आप ढूंढ लेना। फर्स्ट इज दैट यू ऑल नो अबाउट इज अ ट्रेडमार्क, होता है कि नहीं। उसके बाद में क्या होता है, GI टैग भी हम लोग पढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, है कि नहीं। तो ये दो तीन आप पता कर लो, और बाकी के 7-8 है, WHO के अकॉर्डिंगली है, इंडियन पेटेंट लॉ के अकॉर्डिंगली भी है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग 21 का जो बैच शुरू हो जाएगा उसमें एक बार ले लेंगे। आगे जाते हैं, नाउ फॉर द प्रीलिम्स एस्पेक्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज, इट इज टॉकिंग अबाउट रिकवरी ट्रायल्स। या क्या है रिकवरी ट्रायल्स? यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुए थे, जो 5 ड्रग्स है, एक तो HCQ है उसमें, एंड बहुत जो एंटी मलेरिया ड्रग है, एंड बहुत सारे हैं उन जो पर्टिकुलरली एग्जिस्टिंग ड्रग्स है, उसका कोरोना के वायरस पे क्या इफेक्ट होता है टू नलीफाई दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन, इसके बारे में वो स्टडी कर रहे थे। इसमें सिमिलर आपको याद होगा तो हम लोगों ने WHO का सॉलिडेरिटी ट्रायल भी पढ़ा था, ठीक है नहीं। तो उसमें हम लोगों को एक पढ़ने को मिला था कि HCQ हैज़ नॉट शोइंग एनी benefit on the infected person, hence some of the countries has already stopped that particular trial, तो ये आपको पता होना चाहिए। Now this particular news is more of a science वाला news, but इसमें हम लोग detail में नहीं जाएंगे। What is very important for us to study in this particular thing is genome sequences, तो यहाँ पे नहीं लेते, ये बहुत बड़ा topic है genomics नाम का। जेनोमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर बहुत डिटेल में पढ़ा था, और जिसके ऊपर 2019 में क्वेश्चन भी आए थे, प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये टॉपिक है बड़ा, आधा पौना घंटा लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, तो एक बार उसको करंट डिकोडेड बैच के लेक्चर में इसको डिटेल में ले लेंगे। फिलहाल आप याद रखना कि चिकनगुनिया जिस पर्टिकुलर इससे होता है वायरल से, उसका उन्होंने जीनोम सीक्वेंस किया है और उसके रिलेटेड कोई स्टडी उन्होंने किया है, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, बेसिक टॉपिक ऑफ इट इन आवर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। ये वाला न्यूज़ देखो, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि WHO के पर्सन ने बोला था कि असिम्टोमेटिक पेशेंट डू नॉट और रेयरली स्प्रेड द डिसीज, तो उसके बारे में उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस लिया। ये देखो, ये एक्चुअली हम लोगों ने कल बहुत ही डिटेल में टॉपिक पढ़ा है, about 45 minutes we have discussed this particular issue related to India-China border disputes and other Indian borders and related disputes. तो अभी इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे. अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो you can simply go to our YouTube channel and there you can find out the big lecture that was recorded on the 13th June और वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो. इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं क्या आया है आज. इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सा न्यूज़ आया है. It is talking about payment system that was developed or sponsored by RBI few years ago in India. उसके लिए नेशनल पेमेंट और इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया था और फिर उसके बाद में वी हैव डेवलप सम ऑफ द टेक्निक्स लाइक CTS लाइक चेक ट्रांकेशन सिस्टम या NEFT या UPI. आप लोग सभी आपको UPI वगैरह आजकल यूज करते हो. गूगल पे जो यूज करते हो, जी पे, वो UPI ही टेक्निक यूज़ करता है. तो इंडिया में तो नाउ इट हैज़ वी कैन से डेवलप्ड प्रिटी गुड. पीपल आर आल्सो एक्सेप्टिंग इट इज़ वेरी इजी टू यूज एंड इट इज़ वेरी वेरी लो कॉस्ट. इट इज़ अ वेरी वेरी चीपर मेथड दैट हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय आवर ऑर्गेनाइजेशंस. सो सम ऑफ द कंट्रीज आर आल्सो इन रिक्वेस्टिंग दिस लो कॉस्ट पेमेंट सिस्टम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन देयर पर्टिकुलर रीजन. तो RBI इज आल्सो स्टडिंग दिस पर्टिकुलर प्रपोजल. So what will be the advantage if RBI accept this particular thing? So one more most of the important advantage is that RBI will go global. मतलब RBI is not as a bank, but we will say that India's payment system जो है, जो अभी तक सिर्फ इंडिया में ही हम लोग यूज़ करते हैं या थोड़ा सा भूटान के साथ यूज़ करते हैं, नेपाल के साथ वन वे यूज़ करते हैं. तो इफ़ इट गोज सपोज इन अफ्रीकन कंट्रीज भी इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर थिंग और से इन गल्फ कंट्रीज भी इंट्रोड्यूस द पर्टिकुलर थिंग. So think about the people who are living in the Gulf and sending back the remittances to India. उनके लिए बहुत beneficial हो जाएगा. इंडिया का transaction बढ़ेगा. Let's take an example से रुपए आपने introduce किया. तो जैसे अभी Mastercard है या Visa है या American Express है, ये world wide famous है. तो वैसे रुपए भी world wide famous हो जाएगा and India will get lot of advantage if India proceed in this particular direction. तो इस अकॉर्डिंगली RBI स्टडी कर रही, कर सकते नहीं कर सकते. तो आज की न्यूज़ के डिस्कशन में इतना ही है. तो एज वी डिस्कस इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट डेली करंट अफेयर्स डिकोडेड लेक्चर. द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर डेली करंट अफेयर्स डिकोडेड सेशन वॉज टू कीप यू ऑल इन टच विद द करंट अफेयर्स इन द लॉकडाउन पीरियड ऑफ टाइम. Because earlier we were having the classroom offline वाला batch, so suddenly lockdown शुरू हुआ था. तो I do not want my students to lose on their preparation. तो इसीलिए शुरू किया था. But it's okay now. Everything has settled. We have developed an online platform, so we can simply connect on the online platform, and we will continue our batch that is going to start on the 21st of June. That is next Sunday. इसका प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर वगैरह शुरू है. इसके बारे में जो भी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई विल पुट दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन टूडेज वीडियो और फिर आप वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. तो ठीक है फ्रेंड्स, इट वाज अ वेरी हैप्पी जर्नी विथ यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन एंड डोंट वरी, वी विल कम बैक टू यू ऑन द यूट्यूब वीडियोज़ एज वी यूज टू रिकॉर्ड लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ इन अर्लियर पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, बट दैट विल बी मोर ऑफ अ topic based current affairs and will not be a daily based current affairs because that is we are going to do in our batch. तो topic wise कुछ current affairs के topics लेके आपके पास आएंगे, वो आप यहाँ पे YouTube पे हमारे channel पे enjoy कर सकते हो. तो thank you friends, see you, bye bye. Subscribe to Shivaji Kale Current Affairs YouTube channel and hit the bell icon to get the latest updates.